हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टिप्स के विषय में जानकारी लेंगे जिससे कि अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो उसमें अगर आपको परेशानी आ रही है, आपके चैनल यूट्यूब के सर्च पेज पे रैंक नहीं होती है, तो आज इस वीडियो में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने एक लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपका जो चैनल है वो यूट्यूब के सर्च पेज पे अच्छे से रैंक हो। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग कैसे उसे रैंक करा सकते हैं। हम लोग दो तीन टिप्स के विषय में जानकारी लेंगे, तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। यहाँ पे हमने ओपन कर लिया अपना यूट्यूब का ऑप्शन और यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने चैनल पे। तो यहाँ पे आपको चैनल आइकन दिख रहा होगा, इसमें हम लोग क्लिक करना है और फिर क्रिएटर स्टूडियो पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग यहाँ क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करते हैं तो ये मुझे क्रिएटर स्टूडियो पे रिडायरेक्ट कर देता है। अब मुझे क्या करना है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ये मेरा एक कुछ पुराना सा चैनल है तो मैं उस पर ही शो कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा ये चैनल ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ पे व्यू चैनल दिख रहा होगा, तो इसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे आप व्यू चैनल पे क्लिक करते हो तो ये आपके चैनल पे रिडायरेक्ट होता है और ये आपका चैनल का जो इंटरफेस होता है, जो कोई भी उसे लॉगिन करके देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, एक कस्टमाइज चैनल और एक क्रिएटर स्टूडियो। तो सबसे पहले आपको चले जाना है कस्टमाइज चैनल पे। तो जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पे जाते हो तो आपको चैनल एडिट करने के बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक आप यहाँ देख सकते हो। और सबसे पहले आपको चले जाना है, हम लोग आज सिंपली बात करने वाले हैं कि आप अपने चैनल को रैंक कैसे करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना है अबाउट सेक्शंस में। अबाउट सेक्शंस आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अबाउट सेक्शंस में कुछ लिखते ही नहीं है, या फिर अगर लिखते भी हैं तो वो आप अपना जो भी कंटेंट लिखते हैं वो अपने चैनल से मैटर नहीं रखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा अबाउट सेक्शंस बिल्कुल ही नल है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये सर्च रैंक में आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना होगा। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी लिखना यहाँ पे स्टार्ट करें तो आपका जो चैनल नेम है वहाँ से आप स्टार्ट करें, तो वो क्या होगा, आपका सर्च रैंक में जल्दी कैरी होती है। तो लाइक मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, लाइक मेरा नवनीत चौधरी के नाम से चैनल है, तो यहाँ मैं स्टार्ट करूँगा नवनीत चौधरी के नाम से और यहाँ मैं लिख लेता हूँ नवनीत चौधरी इज ए यूट्यूब चैनल। बस यहाँ पे अब आपको अपना कंटेंट देना है जिससे रिलेटेड आपका चैनल है वो आपको लिखना है, जैसे लाइक ए यूट्यूब चैनल फॉर टेक क्वेरीज, टेक टिप्स। तो आप यहाँ से ऐसा कुछ लिख सकते हैं, आपका जो भी कैटेगरी का चैनल है वो आप लिख दीजिए और उसके बाद आप जितना उसका अबाउट सेक्शन में जो भी कुछ अपने चैनल के डिटेल्स लिखेंगे वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो ये आपको मैं सिंपली यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ और इसे आपको लिख के डन कर लेना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, आपका जो फर्स्ट लाइन होगा वो आपके चैनल के नाम से मैच होना चाहिए और आपका किस कैटेगरी का चैनल है वो उसमें आना चाहिए, तभी वो सर्च रैंक में आपका आ सकता है। और फिर यहाँ से हम लोग इसे डन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया है डन। अब और एक काम करना है हमें, तो उसके लिए हमें वापस से जाना होगा अपने क्रिएटर स्टूडियो पे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्रिएटर स्टूडियो पे। यहाँ से मैं आ जाता हूँ अपने क्रिएटर स्टूडियो पे। तो ये फिर से मैं आ गया क्रिएटर स्टूडियो पे। अब आपको यहाँ पे आपको लेफ्ट सेक्शन में आपको देखने मिल रहा होगा एक चैनल का ऑप्शन, तो यहाँ आपको चैनल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग चैनल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, स्टेटस, फीचर्स, मोनेटाइजेशन, अपडेट, डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ आपको सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ आपको एक एडवांस सेटिंग्स देखने को मिल रही होगी, तो आपको एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम लोग एडवांस सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पर एक पेज खुल जाता है हमारे चैनल का। तो यहाँ पर मुझसे कंट्री पूछा जा रहा है, तो आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो आप ये चीज़ देख लेना कि आपका वो ऑलरेडी सेलेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपको उसे बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चैनल कीवर्ड, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं डालते, यहाँ आते ही नहीं है, तो वो सर्च रिजल्ट में आएगा ही नहीं। कैसे आएगा, आप उसका कुछ कीवर्ड डालोगे ही नहीं तो आपको सर्च रिजल्ट में शो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको अपने चैनल का फर्स्ट नेम यहाँ पे इंसर्ट करना है। लाइक मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ नवनीत चौधरी, तो ये मेरा नवनीत चौधरी के नाम से चैनल है, तो मैं यहाँ ये दे दिया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कीवर्ड।
ऐसे ही आपको इसमें बहुत सारे कीवर्ड इंसर्ट करने हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एटलीस्ट 10 कीवर्ड इसमें सजेस्ट कर दिए। तो 10 कीवर्ड कैसे करना है, तो ये मेरा पहला हो गया। दूसरा करने के लिए आपको यहाँ पे एक कोमा देना है और फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट स्पेस दे करके दूसरे यहाँ पे कीवर्ड सेट कर देना है। तो लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्मार्टफोन, फिर कोमा देते हैं और फिर यहाँ लिख देते हैं टेक टिप्स। लाइक ऐसे ही आप जो भी इसमें कीवर्ड देंगे, वो कीवर्ड अगर सर्च होता है तो आपका चैनल क्या होगा, वहाँ पे रैंक होगा। तो ऐसे आपको रैंकिंग में फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ आप इसी तरह से बहुत सारे दे सकते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी, तो आपका जिस रिलेटेड का चैनल है तो आप वहाँ पे यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ मैं सिंपली इतना दे देता हूँ और फिर देने के बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना है और यहाँ सेव का बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, वहाँ से आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम लोग इसे सेव कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपका ये सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ले लिया है और ये कीवर्ड मेरा बन करके यहाँ से तैयार है। और यहाँ आपको एक मैसेज मिल गया है कि योर हैव चेंजेस वेयर सेव्ड, मतलब कि मेरा जो चेंज मैंने किया है वो सेव हो चुका है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि मैं अपने चैनल को सारा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारे ऑप्शंस को सेट कर सकता हूँ ताकि मेरे चैनल जो है वो सर्च रैंक में आए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से सर्च करके अपने चैनल को देखते हैं कि मेरा चैनल क्या सर्च रैंक में आ रहा है। ऐसे में आपको ये सजेस्ट कर देता हूँ कि आपको सारे एडिट करने के बाद एटलीस्ट 24 से 48 घंटे के अंदर में ये सारा कुछ काम करता है। बट फिर भी चलिए हम लोग यहाँ पर सर्च करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना नाम यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ तो देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। तो यहाँ से मैंने अपना नाम सर्च किया और यहाँ आप देख पाओगे, ओके फाइन, ये देख सकते हो आप, ये जो मेरा चैनल है ये फर्स्ट पे रैंक हो गया। क्यों रैंक हुआ? क्योंकि मैंने उसमें सारे कैटेगरी के जितने भी वहाँ पे आइटम्स थे वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। तो इसलिए क्या है कि ये सर्च रैंक में आपको सबसे फर्स्ट पे शो कर रहा है। और हो सकता है कि 2-3 के बाद भी आ जाए, लेकिन आपका जैसा वहाँ पर मैटर होगा उसी मैटर से यहाँ पर ये रैंक करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।